बता दें हरियाणा में प्री मानसून ने अब दस्तक दे दी है। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला, तेज हवाओं के साथ देर रात से ही बरसात की शुरुआत हुई और अभी तक भी जगह जगह पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आगामी कुछ दिनों में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। प्री मानसून की दस्तक है, मानसून से पहले की बारिश के चलते जगह जगह पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रदेश में बारिश हो रही है, प्रदेश भर में प्री मानसून की दस्तक, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश जो है वो हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जिस तरीके से मानसून का अब इंतजार किया जा रहा है तो वहीं प्री मानसून की बारिश आज से शुरू हो गई है। उत्तर भारत में भी मानसून ने प्रवेश कर लिया है, पूरे के पूरे उत्तर भारत में प्री मानसून के तहत ये अब बारिश की शुरुआत जो है वो हो गई है। आने वाले 5 दिनों के दौरान इसी तरह का मौसम रहने वाला है, यानी कि 30 तारीख तक इसी तरह का मौसम जो है वो रहेगा। अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है तो कई जगहों पर हल्की बारिश भी होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, अगर सिर्फ हरियाणा की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों की जो भविष्यवाणी की है उसमें 25 और 26 जून को तेज बारिश और तूफान की संभावना जताई गई, जिसके तहत रात से ही बरसात की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गरज चमक के साथ बरसात की शुरुआत और अलग अलग जगहों पर बारिश हो रही है, हल्की से मध्यम और भारी बारिश जो है वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। ये दो जगह की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, यमुनानगर और हिसार की तस्वीरें हैं जहां पर झमाझम बरसात, और ऐसी ही स्थिति दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद की भी है। अलग अलग जगहों पर इसी तरह से बरसात हो रही है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप यमुनानगर और हिसार की देख पा रहे हैं जहां पर बारिश हो रही है। बरसात का सिलसिला अब शुरू हो गया है, आज भारी बारिश अलग अलग जगहों पर देखने को मिली है। सुबह सवेरे से ही बरसात, देर रात से हालांकि बारिश जो है वो शुरू हो गई थी, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, बादल के गर्जन के साथ और बिजली की चमक के साथ ये बरसात हुई है। हरियाणा में प्री मानसून की दस्तक हो चुकी है, प्री मानसून की यह बारिश अलग अलग जगहों पर, कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश। हरियाणा समेत तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है, बरसात की शुरुआत हो गई है, मानसून की बारिश है, प्री मानसून की बारिश। यमुनानगर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ, सुनील। सुनील, क्या कुछ स्थिति है वहां पर मौसम को लेकर के? जितेंद्र, आपको बता दूं कि 3 दिन से यमुनानगर में जो है लगातार बरसात हो रही है, और आलम यह है कि आप मेरे पीछे यहाँ पर खेतों में देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है। परसों से यहाँ पर बरसात शुरू हुई थी और लगातार जो है कल भी यहाँ पर बरसात हुई है, और आज सुबह कल रात से ही जो है लगातार बरसात चली हुई है। और आपको बता दूं कि यमुनानगर का ये ग्रामीण इलाका है जो पहाड़ों के साथ, हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों के साथ कटा हुआ है। लगातार यहाँ पर 3 दिन से बरसात हो रही है और यमुना नदी भी धरातल पर यमुनानगर में ही उतरती है, पहाड़ों से निकलकर हसनीपुर बैराज पर जो है धरातल पर उतरती है। हालांकि यमुना नदी में अभी तक खतरे जैसे कोई आकार नहीं है, वहां पर सामान्य स्थिति है, लेकिन यमुनानगर में जो छोटे छोटे नदी नाले जो पहाड़ों से निकलकर आते हैं वो भले ही उफान पर आए हो लेकिन खतरे जैसी अभी तक कोई स्थिति सामने नहीं आई है। अभी प्री मानसून की बरसात है, लोगों को जो है गर्मी से राहत जरूर मिली है, और दूसरी तरफ इन दिनों जो है जिस तरह धान की रोपाई चली हुई है उसमें जो है किसानों को काफी मदद मिली है, और मौसम विभाग की तरफ से यही कहना है कि अभी 1 हफ्ता और इसी तरह से लगातार जो है बरसात जारी रहेगी, जिससे यमुनानगर में जो है तापमान जहाँ पर 45 डिग्री पर पहुंच चुका था वो कहीं ना कहीं 26 डिग्री पर आ पहुंचा है, और लगातार यमुनानगर में तीसरा दिन जो है बरसात का है। जी बिल्कुल सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच डॉक्टर चंद्रमोहन भी जुड़ गए हैं, मौसम विशेषज्ञ। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार सर।
धन्यवाद। चंद्र मोहन जी, किस तरह से देख रहे हैं मानसून आने में अभी वक्त है, लेकिन प्री मानसून की भारी बरसात जो है वो देखने को मिल रही है, कैसे समझा जाए इसे और क्या कुछ आगामी स्थिति? जी, अभी पिछले एक या दो हफ्तों से मतलब लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे थे और पूरे एरिया पर है ना पसीने वाली उमस वाली जो गर्मी अपना रंग दिखा रही थी, परंतु अब पूरे हरियाणा एनसीआर दिल्ली में आम जन को बारिश की वजह से राहत मिली है और पूरे इलाके पर प्री मॉनसून गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बना और साथ में उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ, तो जिसकी वजह से कल वैसे मानसून की जो गतिविधियां हमारे हरियाणा में एंट्री कर गई है, यमुनानगर में जबरदस्त तरीके से मानसून ने अपनी एंट्री ले ली है और आने वाले दो तीन दिनों में जो हमारा मतलब एक जो निर्धारित समय है मानसून का वो बिल्कुल यानी 30 जून के आसपास पूरे हरियाणा एनसीआर को कवर कर लेगी, तो ये गतिविधियां लगातार जैसे 25 से लेकर 30 तक देखने को मिलेगी और आने वाला जो सप्ताह है एक दो या तीन चार तारीख तक भी इस प्रकार की गतिविधियां रहेंगी और उसके बाद हो सकता है एक बार छोटा सा मानसून का ब्रेक लग जाए, परंतु इस दौरान जो काफी जो गर्मी उमस भरी जो गर्मी पूरे आमजन को परेशान करे हुए थी उसमें अब राहत मिलेगी। जी, लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या कुछ समझा जाए किस तरह के अनुमान हैं इस बार मानसून को लेकर के हरियाणा में किस तरह की बारिश पूरे मानसून के सत्र में रहने वाली? देखिए, पूरे मानसून सत्र में अगर हम देखते हैं तो इस बार मानसून सामान्य या सामान्य से नीचे रहने वाला है, क्योंकि जो मौसम की जो गतिविधियां होती हैं जैसे पीछे नौ तपा रहा उसमें एक दिन भी नहीं तपा, इसी प्रकार से जो गर्मी होती है उन दिनों में मौसम मतलब तापमान में गिरावट दर्ज हुई और साथ साथ में जिन दिनों में शीत ऋतु होती है उन दिनों में तापमान में बढ़त मिली, तो आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे। और जिस तरह की पिछले दिनों गर्मी देखने को मिली, उमस भरी जो गर्मी, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी लोगों को, तो क्या अभी भी इसी तरह के ऐसे दिन बीच बीच में आएंगे? हाँ बिल्कुल बीच बीच में अगर हम जुलाई के फर्स्ट सप्ताह की बात करें तो उसी प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी जो पीछे एक चक्रवातीय जो तूफान बिपरजॉय जो था वो आगे जब बढ़ा तो उसकी वजह से गतिविधियां हुई, परंतु जब वो आगे चला गया तो उसकी वजह से अरब सागर से आद्र नमी वाली जो पवने गर्म पवने लगातार पूरे हरियाणा एनसीआर पर अपना आगाज की हुई थी, जिसकी वजह से तापमान तो बढ़ ही रहे थे साथ साथ में उमस भरी पसीने वाली गर्मी से आम जन को रूबरू होना पड़ रहा था। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए डॉक्टर चंद्रमोहन जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और सुनील भी हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता यमुनानगर से, उन्होंने भी वहां की लाइव तस्वीरें जो है वो दिखाई किस तरह से वहां पर बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है और पिछले दो दिनों से वहां पर बारिश जो है वो चल रही है। तो हरियाणा में प्री मॉनसून ने दस्तक दे दी है और अब अलग अलग जगहों पर बारिश जो है वो देख